नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज तकरीबन 10 बजे के आसपास एक हाईवे द्वारा पैदल चलने वाले 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक जमुई बाईपास के पास की घटना बताई जा रही है, जहां 3 व्यक्ति पैदल जा रहे थे, वहीं अचानक ट्रक वाले ने ठोकर मार दी कि वहीं पर 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति गंभीर अवस्था में था। वहीं अचानक गश्त के दौरान सिटी कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह और उनके सहयोगी द्वारा अचानक घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल जानकारी लेते हुए सभी व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां उपचार के दौरान 3 व्यक्तियों की मौत होना बताया गया है। का मामला आया है जिसमें 3 लोग खत्म हुए हैं। क्या मामला है सर, इसमें जो मृतक के परिजन हैं उनको किस तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? विगत रात को जो है दुखद एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों को जो है दर्दनाक मौत हुई और रात को जो है पुलिस ने शव को जब्ती में लेकर के पोस्टमार्टम रखवाया था। अभी हाल में जो है PM कराया गया है उनका, और जो एक्सीडेंटल बेनिफिट्स हैं उसके लिए जो है तैयार कर लिया गया है। 15,000 की आर्थिक सहायता होती है उसमें, और अंत्येष्टि सहायता जो है वो तत्काल जो है कलेक्टर साहब के द्वारा मौके पर दी गई, 5,000 रुपये। इसके अलावा उनमें से 2 लोगों का पंजीयन जो है वो इसमें कर्मकार में है, तो 4,000 रुपये की आर्थिक मदद मिल पाएगी। 1 व्यक्ति का पंजीयन नहीं है, तो उसे देखते हुए जो है मुख्यमंत्री अनुदान के लिए। सर क्या मामला है सर कि हाईवे पर लगभग 1 महीने में 6 मौतें हुई, कंट्रोल नहीं हो रही, लगातार कहीं ना कहीं मौतें हो रही, क्या वजह माने हैं सर? देखिए, सीधी जिला जो है अधिकतर पहाड़ी इलाका है, टेरेन लगभग इसका उगा सावर है, मोड़ थोड़े ज़्यादा हैं और वाहन चालकों पे गति नियंत्रण के लिए हमारे जो प्रयास हैं अलग अलग जगहों पर जो है यातायात पुलिस के द्वारा चेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं, किंतु रात को जो है ये थोड़ा नियंत्रित होकर चलते हैं। उसका आपके लोगों को जो है फीडबैक मिला हुआ है, निगरानी बढ़वाएँ थे बाहर जो गाड़ियाँ और वाहन जो है चेक बड़े होते हैं, जो यातायात में बाधा होती है उसको क्लियर कराने का प्रयास रहेगा। और 3 लोगों से शांति हो गई ना, 3 लोगों से पंजीयन भी है।